से जिस जिसने गेस किया था कि मैं भोपाल आई हूँ वो बिल्कुल गलत थे, और जिसने गेस किया था कि मैं चंडीगढ़ आ रही हूँ वो भी गलत थे, पर जिसने गेस किया कि मैं बैंगलोर आई हूँ वो बिल्कुल। तो गाइस कल चांदनी आ रही है एंड एकदम अभी सडनली जब पता चला कि फाइनल हो गया है उसका आना घर, क्योंकि रक्षाबंधन है, शानू अभी यहीं बैंगलोर में है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है कैप्टनसी के लिए, तो वो यहीं पे रुक के पढ़ाई कर रहा है, तो हम लोग रक्षाबंधन पे फाइनली मिलने वाले हैं। सुबह आएगी और शाम को चली जाएगी। नाउ मैं शानू के लिए तो जाके एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेके आ गई हूँ, विच इज़ लाइक अ लेदर जैकेट ब्लैक कलर का, कल पहना के बताऊँगी आप लोगों को। एंड चांदनी के लिए मैं सोच रही थी, इतने गिफ्ट मिलते रहते हैं, बहुत सारे लोग उसको गिफ्ट देते रहते हैं, प्लस उसके पास इतने सारे चीज़ें वैसे ही आती रहती हैं, तो मैंने सोचा कि कोई मतलब नहीं है उसके लिए कपड़े लेने का, बैग लेने का एंड ऑल दैट, बिकॉज She gets lots. In fact, उसके पास से मेरे पास आ जाते हैं जब वो she is done with it. तो उसके पास जब extra हो रहे होते हैं तो वो मेरे पास आ जाते हैं. तो I am very very lucky that way to have a sister like her. तो and I take a lot of pride in that, of course. तो anyways, मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ. तो मैंने कुछ मेरे पास पॉट्स रखे हुए थे. उसको आजकल प्लांटिंग का बहुत शौक चढ़ रहा है, तो मम्मी के घर से भोपाल जब वो अभी आई थी उसने बहुत सारे प्लांट्स जो है वहाँ से इकट्ठा करके उनकी कटिंग्स लेके गई थी. प्लस मम्मी भी जब बॉम्बे गई थी तो वो भी उसके लिए बहुत सारी कटिंग्स और प्लांट्स लेके गई थी. तो मैं सोच रही हूँ उसके प्लांट्स को रखने के लिए मैं प्लांटर्स बना देती हूँ जिसमें मैं डिकोपाश करूँगी. एंड सो लेट मी जस्ट शो यू द प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने जो डिकोपाश किया है व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ इट और क्या करते हैं, तो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू इट. तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी और मुझे भी, जो भी थोड़ा बहुत आता है आई थिंक इट्स गुड इनफ. थोड़ा सा कुछ आर्ट का अपना भूत भी उतर जाता है, प्लस आप किसी भी चीज़ को रिफर्बिश कर सकते हो, इतनी सिंपल आर्ट है ये. तो आइए देखते हैं. समथिंग हैंडमेड इज ऑलवेज ऑलवेज मच बेटर देन गिविंग एनीथिंग बॉट फ्रॉम द स्टोर. That's what I feel and I always encourage my children, कि बच्चों को भी यही कहती हूँ कि आप लोग कुछ हाथ से बना के दीजिए, कुछ लिख के दीजिए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है देन कहीं से भी ली हुई चीज़ें. तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ. फॉर हर रूम छोटे छोटे प्लांटर्स शुड वर्क रियली वेल. इसको मैं पहले वाइट कलर का बेस देने वाली हूँ. तो ये जो वाइट बेस है दैट इज़ एक्चुअली फेविक्रिल एक्रिलिक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ. ये मैट वाइट कलर है और ये मेरे पुराने ब्रशेज़ हैं जिनको आपको प्रॉपरली वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो मैं यूज़ करूँगी. एक डिकोपाज ग्लू के लिए जो कि बाद में हम करेंगे उसके लिए यूज़ करेंगे, और एक मैं यूज़ करने वाली हूँ टू पेंट दीज इन टू वाइट. ओके, अब इसमें हमारे पास जितना मैंने ग्लू डाला है, एक मैंने यूज़ एंड थ्रो वाला बॉक्स जो है वो मैंने ले लिया है, उसमें मैंने ये पोर कर दिया है. अब इसके अंदर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा वेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अभी नहीं, गीला नहीं करना है, पर थोड़ा सा पानी डाल के इसको वो कर लेना है, बिकॉज ये ना रखे रखे काफ़ी सूख जाता है. तो ज़रा सा पानी मैं इसमें ऐड करती हूँ. ओके, सो दिस इज़ इट. अब मेरे पास ये वाला ब्रश है पुराना, तो इसको मैं इसके साथ में मिला देती हूँ. आपको हाथ का बहुत ख्याल रखना है, वैसे बहुत ही आसानी से ये छूट जाता है हाथों से, सो इट्स नॉट सच अ बिग डील, क्योंकि ये बेसिकली फेविकॉल बेस्ड होता है ये कलर, तो आराम से छूट जाएगा. उसी समय छुड़ा दीजिए जैसे ही आप काम कर रहे हैं, दैट वुड बी अ मच बेटर आइडिया. नहीं तो फिर आप कोई भी ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं यूज़ एंड थ्रो, मगर वो कितनी बार आप यूज़ करोगे टाइम्स तो आई थिंक वॉश योर हैंड्स दैट्स मच बेटर. और मेरे हाथ अभी ऐसे हैं, थोड़ी देर में देखिएगा पूरे कलरफुल हो रखे होंगे. सो लुक एट माय प्रिटी हैंड्स राइट नाउ. ओके, नाउ सी व्हेन वी गेट इट डर्टी. चलो बनाना चालू करते हैं. तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉट ले रही हूँ, सबसे बड़ा वाला जो मेरे पास है, और इसको मैं इससे बेस कोट एक बार मैं कर देती हूँ.
और बाद में हम रोलर्स यूज करके उससे कर लेंगे, क्योंकि इससे आसानी से बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। और हम एक दो बार कोट करेंगे तो कोई बात नहीं है, बह रहा है तो इट डजंट मैटर, उसको आप फैला दीजिए। इसको कोई बच्चा भी कर सकता है, इट्स जस्ट वेरी वेरी इजी टू डू, नॉट सच अ बिग डील। और उसके बाद में बनने के बाद में इतना खूबसूरत, आप इसमें कोई भी प्रिंट्स यूज कर सकते हैं। ये सारा सामान आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाता है, सो इट्स नॉट लाइक आप सोर्स नहीं कर सकते हो आसानी से। तो आई एम गोइंग टू डू दिस फर्स्ट, गो राउंड। थोड़ा सूखेगा तो हम इसमें फिर से एक और कोट करेंगे, उस वक्त ये जो ब्लैक पोर्शंस जो नीचे नीचे दिख रहे हैं वो सब कुछ चले जाएंगे। कीप इट हियर। यहां तक मैं अंदर तक करती हूँ ताकि जो प्लांटर आएगा उसके सॉइल आएगा, मिट्टी जो है वो आएगी, वो यहां तक आएगी। तो यहां तक कम से कम एक नीट जो है वो दिखना चाहिए। तो हम एक कोट करके इन सब के ऊपर और इसी तरह से रख देंगे। तो मैं बाकी के में भी कोट कर देती हूँ और फिर मैं आगे का आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ। सूखने के बाद में फिर देखते हैं कि कैसा लगता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑन ऑल ऑफ दीज थ्री। तो इसमें एक कोट हो गया है अभी, आपको ये बहुत ज्यादा बहता हुआ दिख रहा होगा और दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि बेस में ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में हम इस पर कम से कम 3 या 4 कोट और करेंगे जब ये सूख जाएगा। जैसे जैसे ये ड्राई होएगा हर बार अपन उसमें कोट करेंगे। हो सकता है कि मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया होगा, तो मैं इसमें कलर और डाल के इसको मिला लूँगी। एंड इसको आप वापस शिफ्ट कर सकते हो अपने बड़े वाले बॉक्स में, दैट्स टोटली फाइन। तो अगर आपको ज़्यादा लिक्विडी लग रहा है तो थोड़ा सा कलर और ऐड कर लीजिए। और नीचे ज़रूर से जो भी टेबल है आपके उस पर न्यूज़पेपर बिछाना मत भूलना, क्योंकि फिर ये सब जब सूख जाता है तो फिर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसी समय गीले में ही जो भी चीज़ें हैं क्लीन करनी होती हैं। तो मैंने अभी किया और मैं हाथ जो है अभी धोया। देखो अभी भी थोड़ा बहुत रह गया, मगर देखो अभी निकालोगे तो इतना जल्दी से ये निकलेगा, लेकिन थोड़ी देर भी ज़्यादा रह जाएगा देन इट बिकम्स हार्ड टू टेक इट आउट। तो इसीलिए उसी समय आप उसको क्लीन करते जाइए, हर बार हाथ धो लीजिए। ओके, तो मैं इसको पूरे कोट्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब ये बन जाएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मैंने एक पेटी है जो हमारी बहुत ही पुश्तैनी पेटी है, उसको मैंने डिकबाश किया था, उसके ऊपर ये बच्चों के सारे खिलौने रखे हुए हैं अभी। तो दिस इज़ व्हाट आई डिड। तो ऐसा ही वाइट कलर आ जाएगा, उसके ऊपर हम इस तरह से कुछ करेंगे। तो ये मैंने डिकबाश कर दी थी इस पुरानी पेटी को, जिसके अंदर अब मैं अपना कुछ कुछ क्राफ्ट का सामान रखती हूँ और बच्चे लोग अपने ये सारे के सारे गुड्डे गुड़िए जो हैं ये सब रखते हैं। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। आई होप आई विल बी एबल टू डू ऑल 4 ऑफ दीज। अभी ये सूखेगा तो थोड़ा और ठीक लगने लगेगा। ये मैंने टेक्सचर देने के लिए जो स्पंज है उससे मैंने इसको पेंट किया है पैच करके, तो उसमें थोड़ा सा टेक्सचर भी आ जाएगा एंड विल गिव अ रस्टिक लुक टू इट। ये मैंने कर चुकी हूँ, थोड़ा वेट करते हैं। अगर मुझे थोड़े और ब्लैक पैचेस दिखेंगे सूखने के बाद तो मैं एक और कोट इसके ऊपर करूँगी, उसके बाद में हम इस पर अपना डिकोपैश पेपर लगाएंगे। ओके, सो मैंने इसको ड्राई करने के लिए अपना हेयर ड्रायर जो है इसके सहायता से इसे ड्राई करके फटाफट काम ख़त्म कर लिया है। और देखो ये ड्राई हो गई, ये टेक्स्चर जो है इस पर ये दिखाई दे रहा है, विच इज़ आई थिंक इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। अंदर मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया है, जो भी ड्रिप हुआ है इट्स ओके, क्योंकि बाहर से जो है वो सिर्फ इतना ही नज़र आने वाला है एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू लुक अमेजिंग। एंड जब ये पूरा हो जाएगा तब देखते हैं कैसा लगता है। होप ये देने लायक हो और वो अपने घर पे रखने लायक बना सके उसको। लेट्स सी। ओके, तो अब इसमें चिपकाने के लिए मैंने ये दो डिकोपैश पेपर्स निकाल लिए हैं, ऐसे जो डिकोपैश पेपर इस तरह से आते हैं, जो आपके टिश्यू पेपर्स होते हैं उसी तरह के होते हैं, तो सर्विस आई थिंक यू कॉल देम। और ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं। तो मैं दो पे ये वाली जो डिज़ाइन है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ और दो के ऊपर मैं ये वाली डिज़ाइन यूज़ करने वाली हूँ। तो इनको पहले मैं कट कर लूँगी, एक ये और ये वाले दो कैची से अपन कट कर लेते हैं पहले तो इसको। तो ये 4 पीस मैंने कट कर लिए हैं, 1, 2 और ये 3 और 4, बाकी के जो बचा हुआ है ये इसको हम वापस रख देंगे। एंड नाउ ये जो टिश्यू पेपर है इसमें 3 प्लाई होते हैं, तो इसको यहाँ से इसके 3 प्लाई में से जो लास्ट वाला पोर्शन है वो निकालना है। मैं वो निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें से ये इस तरह से कि 1 प्लाई जो है ये है और ये 2 प्लाईज हैं, तो बस हमको ये वाला पोर्शन जो है ऊपर का थिन प्लाई जो है इसको यूज़ करना है। बहुत ही हल्के हाथों से, 2 हाथों की सहायता से आप इसको धीरे धीरे करके पूरा पील ऑफ कर दीजिए।
जो तीर हैं एक दो और तीन उसको निकालना बहुत धीरे धीरे से। दिस इज वन टू थ्री एंड फोर। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है तो एकदम आराम से निकलना है। इसके ऊपर अगेन एक पेंट की पेंट ब्रश की सहायता से इस पर लगाएंगे, उसके बाद इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे। ये डिकोपाश ग्लू को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिला रही हूँ ताकि ये थोड़ा फ्री फ्लो हो जाए, और इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल के जहाँ पे हमें चिपकाना है। माय गॉड, कलर है इसमें, तो मैं यहाँ पे एक ग्लू लगा रही हूँ। व्हाइट पेंट लेके इसके कोने जो हैं उनको ऐसे कर देंगे तो ऐसा लगने लगा कि ये पेंटेड है। गेटिंग इट? अभी इसके बाद थोड़ा सा और सूखेगा ये, तब इसके ऊपर एक और बार पेंट करेंगे अपन डिकोपाश ग्लू से। तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सबको मैंने चिपका दिया है अलग अलग। ये देखिए, ये है एक, एंड ऑफ कोर्स शी लाइक्स वाइट कलर्स, तो वाइट का ही बेस मैंने दिया है। एंड थोड़ी सी बटरफ्लाइज जगह भरने के लिए मैंने यहाँ लगा दिया कट करके दूसरे पेपर से, दूसरे टिश्यू पेपर से, और इसको बड़ा वाला जो था इसको पूरा कवर किया है मैंने। ये थोड़े से और फ्लावर्स मैंने अलग से काट के इसी में लगा दिए हैं, जो कि आई थिंक ये तीन फ्लावर्स हैं वो यहाँ पर लगाए हैं। तो एक पूरा जो टिश्यू पेपर है वो इसमें यूज़ हो गया। पहले मैं सिर्फ एक साइड करने का सोच रही थी, बट देन आई थॉट कि नहीं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है आई थिंक। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अभी इस पे जो ग्लू लगाया है मैंने डिकोपाश ग्लू, वो अभी सूख रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम टू ड्राई अप। जब ड्राई होएगा तो इस पे और दो या तीन बार मैं डिकोपाश ग्लू जो है वो लगा करके इसको और ड्राई करने वाली हूँ, ताकि इसमें जो वाटर रेजिस्टेंट है ये हो जाए और ज़्यादा अच्छा लगे फिर। तो एक विंटेज सा लुक आ जाएगा, ये जो वाइट है ये सब कुछ सूख जाएगा थोड़ी देर के अंदर, और ये एकदम पेंटेड से लगेंगे। तो फिर से मैं डिकोपाश ग्लू लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि एंड रिजल्ट क्या होता है।
पहुंच गई है बैंगलोर और मैं जा रही हूँ अब उसको लेने के लिए. Oh, I'm so excited. और उसके बाद हम जाएंगे शानू के पास क्योंकि शानू जो है वो घर पे नहीं आ सकता है, बहुत ज्यादा उसकी पढ़ाई है. तो हम दोनों जन उसके पास जा रहे हैं होटल में, रक्षाबंधन करेंगे उसके बाद में. शानू इज गोइंग टू कम होम और फिर हम लोग मस्ती करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे. तो इट्स गोइंग टू बी फन टुडे. और फिर शाम को वो चली जाएगी क्योंकि अगेन कोई टाइम नहीं है उसके पास, बेचारी इतना काम है. और अभी अभी उसका फोन आया था कि वो लैंड हो चुकी है एंड मैं जा रही हूँ. आई हैव गॉट सो मच ऑफ थिंग्स प्लान्ड. देखते हैं क्या क्या हो पाता है. बच्चों को भी नहीं बताया है, उनको सरप्राइज देंगे कि फाइनली मासी इज हियर. तो दे विल बी सो एक्साइटेड. तो उनको स्कूल लेने जाएंगे हम लोग और फिर वहाँ पे उनको सरप्राइज मिलेगा. ऑफ कोर्स आज प्रयान का एग्जाम था तो उनकी किसी की भी छुट्टी नहीं करा सकती थी मैं. So, let's see her. Good meet her finally. Yay. आप में से जिस जिसने गेस किया था कि मैं भोपाल आई हूँ वो बिल्कुल गलत थे, और जिसने गेस किया था कि मैं चंडीगढ़ आ रही हूँ वो भी गलत थे, पर जिसने गेस किया कि मैं बैंगलोर आई हूँ वो बिल्कुल ठीक है. पर ये भी यहाँ है और हम खेलेंगे राखी राखी. ये आ गए हैं शानू के पास. ये शानू का रूम है. सफाई चल रही है. ओह नाइस. ये हमारा रक्षाबंधन का खाना. ये और चाय ये मैंने करा है, बाकी आप लोग का है. इतना तो सिर्फ मैंने. मुझे मजा नहीं आया तुम्हारे इतने सारे ऑर्डर. नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं कह रही तुमने बहुत सारा बोला था लेकिन. अच्छा तुम्हारी स्पीच बोलने की उसमें अच्छा सब प्रिजर्व्स मांगे थे मैंने. ये रे प्रिजर्व्स. मुझे लगा था एक ट्रॉली चल के आएगी शानू की पलक से. वो ट्रॉली लेके आए थे बेचारे. आ जाओ तुम बैठ जाओ शानू यहाँ नीचे. ये लड़का बहुत ही खास है, अलग ही कुछ अंदाज है, लगता माचो एंड हीमैन अंदर क्यूट जैसा शिनचैन. धोखा पहली पहचान में मिस्टर राइट है वो दुनिया रॉन्ग है, ऑफिस में वो किंग कॉन्ग है. टिशू कम पड़ जाता सार फिल्म पे रोता नदियां बहाता है, लगता माचो एंड ही मैन अंदर क्यूट जैसा शिनचैन. हैप्पी बर्थडे रक्षाबंधन. इसे कहते लाइक. चलो जब राइटर खराब होता है तो ऐसे डायलॉग्स निकलते हैं. खूब खुश रहो दो दोनों हो तो फ्लो फटाफट कैप. फिर से जल्दी से. वाह 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 मजा आ गया. वाह वाह मजा आ गया. लंदन से पढ़ाई करके आई है वो तो. शानू मैं तो गिफ्ट ही नहीं लाई.
मैं आ गई लंदन से पढ़ाई करके ऐसा वाला फोटोग्राफी वाह पर साइज अगर कुछ भी इधर उधर हो तो वी कैन गो एंड चेंज वहीं पे 5 मिनट का रास्ता है वो तुझे मीडियम बोला था पर मैंने लार्ज ही लिया कि क्योंकि जैकेट पे थोड़ा ढीला रहेगा अच्छा बहुत ही सही लग रहा है वाह वाह हैंडसम फेलो क्या रूप निखर आया है बन्नू का तू कार चला रहे ना बाइक समझ के हाय पायलट बनाने का एक फायदा तो हुआ काश हम लोग थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहते और पीछे के वो बंद कर देते तो ये ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा ये क्लिक होता है बिकॉज ऐसा करो तो हो रहा है ये दो कैमरे पकड़ के बिकॉज आई एम मल्टीटास्कर दांत में कुछ फंसा तो वो निकालते वापस आना तुम हो ना बचाने के लिए ऑब्वियसली और क्या है तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से शानू से राखी बंधा चुके हैं हमारा काम हो गया जा रहे हैं ठीक है ठीक है किसी को पता नहीं है मैं शानू से बहुत लड़ाई करती थी बचपन में और कौन से थे शानू किसी को पता नहीं है मैं शानू को बहुत प्यार करती थी बचपन में बहुत बड़ा जोक था बिल्कुल यूज़लेस वाला था ये क्या था शानू का क्योंकि कोई बड़ा भाई नहीं था इसलिए मैं इसके खुद से हाथापाई करती थी आई वॉज मेकिंग हिम स्ट्रॉन्ग ओके बाय शानू ये लड़का बहुत ही खास है अलग ही कुछ अंदाज है I've come to Sweetie's place. That's Priyanka for you.
और वो बता रही है कि उसने ऐसे अपने घर के आजू बाजू में पैशन फ्रूट लगा दिए और वो ऐसे बस पड़े रहते हैं इसके घर के इर्द गिर्द पैशन फ्रूट्स। वो इमेजिन मैं सब खाऊंगी। ये हमारे घर का साइंटिस्ट प्रयाग and he's making the vacuum cleaner। गौरम करणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके ना हाथ जोड़ो। पहली पहचान में वो लगता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हर पेन पे गाता सॉन्ग है, भूतों से डरता पर ब्रेव बनता, कूल फेसेस बनाता है, लगता स्ट्रॉन्ग जैसे थॉर अंदर चॉकलेट की बॉल, धोखा पहली पहचान में। ये लड़का बहुत ही खास है, मुझे सब लोग अपनी अपनी राखी दिखाओगे।